हेलो बच्चों, तो देखो आज हम लोग नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। और इसमें लगभग 8 लेक्चर्स हमें लगेंगे। इसमें 4 चैप्टर्स होंगे। पहला चैप्टर होगा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो आप केमिस्ट्री में भी थोड़ा पढ़ चुके हो। ठीक, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये भी आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एक्सरेज, एटॉमिक स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर तो आप काफी पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम लोग और ज्यादा एक्स्ट्रा फिजिक्स में पढ़ते हैं, बाकी केमिस्ट्री में भी काफी सफिशियंट आप लोग पढ़ते हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, एक्सरेज, और फिर न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स शायद उतना हम लोग उतना केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं जितना हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस को भी, न्यूक्लियस की मूवमेंट भी हम देखते हैं, मतलब न्यूक्लियस का रोटेशन भी देखते हैं, ये एक्स्ट्रा बढ़ जाता है बस। ठीक है, तो आप बहुत अच्छी बात है कि आप इन सारे चैप्टर से ऑलरेडी फैमिलियर हैं, तो आपको और हेल्प मिल जाएगी इससे। इसमें लगभग 8 लेक्चर्स लगेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी की बात आपके लिए ये है कि इसका वेटेज काफी ज्यादा है मेंस और एडवांस दोनों में ही। ठीक है, और कंपेयर टू जैसे मैकेनिक्स है, हम लोग मैकेनिक्स पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में कितना हाई लेवल के क्वेश्चंस बन जाते हैं जैसे रोटेशन में, है ना, तो इसमें इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस ही होते हैं इसमें। लेकिन विशेषता क्या है कि इस पूरे चैप्टर में ग्राफ का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ठीक है, तो ग्राफिकल एनालिसिस और थ्योरी हमें बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट टू पॉइंट हमें समझना होगा। ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल्स नहीं आते, न्यूमेरिकल्स भी इससे आते हैं, लेकिन अगर आपको थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप न्यूमेरिकल्स भी इसके आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो हमें इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। क्लियर, ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर जो है इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, थोड़ा सा और बता दूं मैं, मॉडर्न फिजिक्स, इसका नाम से ही पता चल रहा है मॉडर्न फिजिक्स, मतलब ऐसी चीजें फिजिक्स में, ऐसी चीजें जो हमने, जो साइंटिस्ट लोगों ने अभी रिसेंट में, मतलब काफी बाद में डिस्कवर की है, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब लाइट से इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे आता है वो हम सीखेंगे। एटॉमिक एटम के बारे में बहुत सारी नई नई चीजें हमें मिली। एक्सरेस, ये भी एक नया इन्वेंशन ही था। और न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियस के बारे में तो बहुत सारी चीजें हमें अभी बाद में काफी पता चली हैं, और भी हैं, जैसे रिलेटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है, ये भी मॉडर्न फिजिक्स में ही आता है। ठीक है, तो ये काफी सारी चीजें हैं जो हम सीखेंगे। अच्छा, रिलेटिविटी तो हमें नहीं सीखना है, ये हमें चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, जनरल डेफिनेशन समझो। मान लीजिए हमारे पास ये एक मेटालिक प्लेट है, कोई इस टाइप से एक मेटालिक प्लेट है जो मैंने यहां पर रखी हुई है। अब इस पे आप रिक्वायर्ड क्या है बताऊंगा मैं अभी। तो जब हम इस पे रिक्वायर्ड वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करते हैं, तो इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगते हैं। इस फिनोमेनन को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रखना ये, ठीक, क्योंकि ये लाइट की वजह से निकल रहे हैं इसलिए हम इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्लियर, और अब अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी तरीके से यूज करके एक सर्किट कंप्लीट करा के करंट फ्लो करा दें, तो हम उस करंट को बोलेंगे फोटो करंट। ये ध्यान रखना है, इतनी बात, छोटी सी बात है। ठीक है, ओके, तो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और देखो ये हम लोग भी मॉडर्न हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये मैग्नेटिक वो डस्टर है हमारे पास, और ये देखिए, तो आज मैंने इसीलिए इसको यूज किया क्योंकि हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, थोड़े से हम भी मॉडर्न हो जाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आगे। अच्छा, अब देखो ध्यान से सुनना, ये मैंने डेफिनेशन लिखी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, व्हेन लाइट ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन, लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ रिक्वायर्ड वेवलेंथ और रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ मेटालिक सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम इट, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई थिंक ये डेफिनेशन सब लोग समझ गए होंगे, इसलिए मैं अभी इस डेफिनेशन को मिटा दे रहा हूं। ठीक, ओके, चलो। अब सबसे पहले एक्चुअली मैं था वो क्या रहा था, अब जब तक ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देखा गया था उसके पहले तक
साइंटिस्ट लोग ये मान रहे थे कि लाइट जो है वेव है, लाइट का जो नेचर है वो वेव है। इसका मतलब क्या है? देखो लाइट में क्या होता है, हम अगर यहां से लाइट एक दूसरी जगह तक भेज दें तो इसका मतलब है मैंने एनर्जी, लाइट में क्या होती है एनर्जी, तो मैंने एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज दिया है। ठीक, अब मैं एनर्जी को, ये सोचो मैं एनर्जी को दो तरीकों से कैसे भेज सकता हूं। देखो मैं बताता हूं आपको दोनों तरीके। मान लीजिए कोई एक बॉडी रखी है, कोई बॉल लटक रही है, मान लो बॉल लटक रही है, मैं चाहता हूं कि इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाए, तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं पत्थर लूं और इसको फेंक दूं ऐसे उसकी तरफ, टकरा जाए तो बॉल क्या करने लगी, एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी उसमें चलने लगेगी, ऑसिलेट करने लगेगी। तो मैंने पार्टिकल के थ्रू एनर्जी वहां तक पहुंचा दी, क्लियर। और दूसरा तरीका यह है कि मैं उस बॉल को एक रस्सी से बांध लूं और रस्सी को ऐसे ऐसे कर दूं या ऐसे ऐसे कर दूं, है ना, तो भी उसके पास क्या आ जाएगी, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा एक्चुअली में, तो वो बॉल चलने लगेगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना, मूवमेंट आ जाएगा उसमें, मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो इसमें मैं यहीं का यहीं हूं और मैंने एनर्जी वहां तक पहुंचा दी, ठीक, वेव के थ्रू, इसको बोलते हैं वेव के थ्रू एनर्जी को पहुंचाना। तो एनर्जी को दो तरीकों से पहुंचा सकते हैं, एक तो पार्टिकल्स के फॉर्म में और एक वेव के फॉर्म में, क्लियर। तो साइंटिस्ट लोग पहले क्या मान रहे थे कि जो लाइट है, लाइट में भी एनर्जी जाती है जगह से दूसरी जगह तक, तो इसका भी कोई नेचर होगा, या तो पार्टिकल नेचर होगा या फिर वेव नेचर होगा। तो साइंटिस्ट लोग पहले तक ये मानते थे कि लाइट में वेव नेचर होता है, लाइट का वेव नेचर होता है। एक्चुअली मैं देखो फाइनल रिजल्ट ये निकला है, मैं बता देता हूं अभी, फाइनल रिजल्ट ये है कि वेव का नेचर ड्यूअल होता है, मतलब वेव दोनों तरीके का नेचर शो करती, लाइट दोनों तरीके का नेचर शो करती है, लाइट दोनों तरीके का नेचर शो करती है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी, कहीं कहीं ये या कभी कभी ये वेव नेचर शो करती है और कभी कभी ये पार्टिकल नेचर शो करती है। अब ये कैसे होता है ना, तो हम लोग धीमे धीमे वहां तक पहुंचेंगे। अभी आपको क्या सीखना है, देखो अभी मैं आपको ये बता रहा हूं, एक्चुअली मैं मैक्सवेल ने पहले बता दिया था, मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, प्रिंसिपल था, तो मैक्सवेल ये बता चुका था कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्या वेव है। फिर आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे, मतलब इतने बार एक्सपेरिमेंट किया इसने, बहुत सारे रिपीटेशन किए, अलग अलग चीजें चेंज करके, कुछ चीजें कांस्टेंट करके, तो कौन सी चीजें कांस्टेंट करके, कौन सी चीजें वेरिएबल करके, उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ये हमें सीखना है। अच्छा इतना तो कंफर्म था कि जब हम लाइट एंड लाइट डालते थे मेटेलिक सरफेस पे, कैसी सफिशियंट वेवलेंथ या सफिशियंट फ्रीक्वेंसी की, तो उससे क्या निकलती थी, क्या निकलते थे, इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे। इसी एक्सपेरिमेंट को उसने लाइट की कई सारी चीजें चेंज करके, कुछ चीजें फिक्स करके एक्सपेरिमेंट्स किए, तो देखो उसका सिस्टम क्या था, उसने क्या सिस्टम बनाया, तो ये उसने सेटअप बनाया, इसको हम बोलेंगे आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट सेटअप, क्लियर, ओके। तो देखते हैं उसने क्या क्या चीजें चेंज की और क्या क्या चीजें बदली, तो समझना बहुत ध्यान से, ये सब चीजें तुम लोग पढ़ चुके हो। तो देखो ये हमने सेटअप बनाया, ये विंडो है, विंडो से मैंने यहां पे लाइट इंसिडेंट की है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट किया, और ये मेटेलिक सरफेस है, इसको हम बोलते हैं कैथोड, और इसके सामने मैंने यहां पे एक और मेटल रखी है, मेटेलिक प्लेट रखी है, इसको हम बोलते हैं एनोड, क्लियर। कैथोड और एनोड को हमने देखो ये कंडक्टिंग वायर से जोड़ा, यहां वोल्टमीटर जोड़ दिया और यहां पे जोड़ दिया एमी, देखो इसके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है एमीटर, और ये देखो पैरेलल में जुड़ा हुआ है वोल्टमीटर, सबको पता है ऐसे ही कनेक्शन होता है। अच्छा फिर यहां पे ये क्या है, यहां पे मैंने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ दिया और यहां पर हमने एक बैटरी जोड़ दी, ठीक, बैटरी देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्लियर। इसका ईएमएफ होगा कुछ, मुझे नहीं पता, ई होगा, ठीक। अब यहां पे ईएमएफ ई है, लेकिन जितना इसका ईएमएफ ई है वो उतना यहां पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहां नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहां रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक, तो कुछ रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाएगा, यहां पे जो भी आएगा उसको मैं बोलूंगा पोटेंशियल डिफरेंस वी, क्लियर। या मैं बोल दूंगा देखो ये हायर पे है, ये हायर है, ये देखो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ, तो मैं इसको बोलूंगा इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा मैं उसको बोलूंगा वी ए माइनस वी सी, क्लियर, ये ध्यान रखना है। अच्छा एक बात और, इस बैटरी को हम रिवर्स भी करेंगे,
मतलब यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव जोड़ रहे हैं, फिर यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव जोड़ देंगे, ये हमें क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो ध्यान से, देखो बेटा हम लोग सीख रहे हैं पहला ग्राफ, पहला ऑब्जर्वेशन आइंस्टाइन का, क्या इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी और फोटो करेंट मैंने क्या बोला था, देखो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहां है, लाइट इंसिडेंट की इलेक्ट्रॉन निकले यहां पहुंचे, और ये देखो बैटरी नहीं जोड़ा मैंने अभी, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे, सर्किट ये कंप्लीट हो गया, क्लियर। इसकी वजह से करंट फ्लो ही होगी, एमीटर वो करंट मेजर करेगा, क्लियर। तो यहां पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी क्या होती है अभी सीखेंगे हम इसको, ठीक। तो इंटेंसिटी और फोटो करंट के बीच में ग्राफ उसने बनाया। तो देखो यहां पे मैं फोटो करंट लिख रहा हूं, इसको मैं स्मॉल आई से लिखूंगा और इंटेंसिटी को मैं कैपिटल आई से लिखूंगा, क्लियर। तो उसने ग्राफ देखा कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप कांस्टेंट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसने इंटेंसिटी को डबल कर दिया तो यहां करंट भी डबल हो जाती है, इंटेंसिटी को ट्रिपल कर दिया करंट भी ट्रिपल हो जाती है, जितने टाइम्स इंटेंसिटी उतने टाइम करंट हो जाती है, क्लियर। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ उसको मिल गया, क्लियर। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, ये तो नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पहला उसका ऑब्जर्वेशन था। अब मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, अभी तो हम ये देख रहे हैं कि आइंस्टाइन ने क्या ऑब्जर्वेशंस देखे थे, बाद में हम इसका सबका एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक। अच्छा चलो, तो ये तो हो गया, अब थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको, बेटा देखना ध्यान से, यहां पे मैंने क्या किया है, कोई भी बैटरी नहीं जोड़ी है, ओके। अब थोड़ा ध्यान दो, क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं, आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए एक एनर्जी देनी पड़ती है ना, वर्क फंक्शन पढ़ा है आपने केमिस्ट्री में। तो किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी हमें देनी पड़ती है, उसे बोलते हैं इस मेटल का, इलेक्ट्रॉन का नहीं, मेटल का, मेटल के मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक, मेटल पर डिपेंड करता है। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल, इसको हम ध्यान रखेंगे, ठीक। अब बेटा यहां से जो लाइट आ रही है उसमें एनर्जी तो है, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने ले ली और बाहर निकल गया, ठीक। अब जो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में खर्च होती है, मान लेते हैं कि वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मान लो, और मान लेते हैं कि यहां से आ रही है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, कितनी आ रही, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सुनना, इलेक्ट्रॉन को मिली कितनी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, और बाहर निकलने में खर्च कितनी होती है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके 2 तो वेस्ट कर देगा बाहर निकलने में, और बची कितनी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो आगे बढ़ जाएगा और यहां पहुंच जाएगा, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा, क्लियर। अच्छा बेटा देखो ध्यान से, होगा क्या, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है उसके पास कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी से पहुंच रहा है, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, क्योंकि 2 तो वेस्ट हो गई, उससे मतलब नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आगे बढ़ रहा है, ठीक। अब मैं इसको रोकना चाहता हूं, तो क्या करेंगे, अब हम देखो, अगर हम रोकना चाहते हैं तो यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। देखो इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अच्छा देखो सुनो, एक बात सुनो, यहां से होता क्या है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो अलग अलग एनर्जी के होते हैं, कितनी, अलग अलग एनर्जी के। तो हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो डिफरेंट एनर्जीज के हैं, अगर होते ही हैं तो जिनके पास सफिशियंट एनर्जी है, देखो इलेक्ट्रॉन सबको मिल रही है, यहां पे एनर्जी सबको मिल रही है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मेटल के अंदर से निकलते हैं, मेटलिक सरफेस है तो मेटल ऐसा होगा, कुछ इमेजिन कर लो ये थिकनेस होगी किसमें कुछ, तो कुछ इलेक्ट्रॉन अंदर से निकलते हैं, तो अंदर से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं सरफेस तक ही आने में उनके बीच में कोलिजन हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो अंदर है
ये एनर्जी लेते हैं, लेकिन सरफेस तक आने में उनके कोलिजंस हो जाते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि रैंडम मोशन तो करता ही है, तो उन कोलिजंस में इसकी जो एनर्जी है मिली वो कुछ लॉस हो जाती है। ठीक, लॉस हो जाती है कुछ की, तो इतनी लॉस, पूरी की पूरी एनर्जी लॉस हो जाती है, तो वो निकली नहीं सरफेस से, बाहर ही निकल पाते, क्योंकि वर्क दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो सरफेस से निकलने के लिए चाहिए। तो मान लो यहां से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई और यहां से अंदर से इलेक्ट्रॉन आया, उसकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां खर्च हो गई अंदर, तो बची कितनी 4। तो सरफेस पे आते टाइम आने पर उसकी एनर्जी बची 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो अंदर से यहां तक आने में कोलिजंस में खर्च हो गई, तो बची कितनी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो बाहर निकलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर निकलने में खर्च होगी, ठीक, वर्क फंक्शन के बराबर, और फिर बची कितनी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आगे चल रहा है वो। अब एक और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ने, यहां सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन ने ले ली एनर्जी, और सरफेस वाले ने ले ली तो सरफेस से उसको सिर्फ निकलना है, उसकी तो कोलिजंस होनी नहीं है, तो अंदर इसकी जो अंदर था जिसकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गई थी कोलिजंस में, सरफेस वाले ने अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी ली होती तो उसका एक भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च नहीं होता, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च होता, किसमें, वर्क फंक्शन में, तो बाहर निकलता तो उसकी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती, है ना। मान लो कोई अंदर है और उसको मिली, उसके बहुत सारे कोलिजंस हो गए, है ना, उसकी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गई, कितनी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गई, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर खर्च हो गई तो सरफेस पे आते टाइम कितनी बची 2, और सरफेस से निकलने में खर्च हो जाएगी 2, मतलब वो सरफेस के जस्ट बाहर रह पाएगा, यहां पहुंच पाएगा क्या, नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इससे, जरूरी नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पहुंच रहे हो, हां कुछ इलेक्ट्रॉन जिनके पास ज्यादा एनर्जी है, खुद की एनर्जी है, मतलब जो अंदर से नहीं आए हैं कोलिजन करते हुए, जो सरफेस से ही निकले हैं, वो यहां पे अपनी एनर्जी से ही पहुंच सकते हैं, क्लियर। तो इसका मतलब यह हुआ कि बेटा बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, देखो बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पे 2 काम करूंगा, एक तो ऑब्जर्वेशन हमें देखने हैं, एक्सपेरिमेंट जो आइंस्टाइन ने किए थे वो क्या थे ये हमें समझना है, तो समझना ध्यान से। अभी मैं मान लेता हूं कि कोई यहां से मान सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन देखते हैं, कौन सा सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी कौन से इलेक्ट्रॉन के पास होगी, जो सरफेस से निकलेगा, है ना, जस्ट सरफेस से निकलेगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको मिली, सरफेस पे था ये, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली, आगे निकला, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गई, बची कितनी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आगे भाग गया, यहां पहुंच गया, ठीक। मैं इस इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहता हूं। अच्छा सोचो एक बात और सोचो, जिसके पास हाईएस्ट नहीं होगी, मतलब जो अंदर से आया होगा, मान लो अंदर से आया, 5 इसको मिली, अंदर सरफेस तक आया, अंदर से सरफेस तक आया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गई, अब बची कितनी 4 बची, सरफेस से बाहर निकला 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गई वर्क फंक्शन के बराबर, फिर आगे भागा कितने से 2 से। तो अगर मैं जो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला अगर मैं उसको रोक दूंगा तो उससे कम एनर्जी वाले तो सब अपने आप रुक जाएंगे, बिल्कुल सही बात है ना। तो मैं यही कर रहा हूं, अब देखो मैं रोक रहा हूं किसको, जो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उसको कैसे रोकें। तो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन के पास यहां काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड कर दो, क्या कर दो, रिटार्डेशन कर दो। इलेक्ट्रॉन को रिटार्डेशन कैसे करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, है ना। तो क्या करो आप, यहां पर नेगेटिव जोड़ दो और यहां पर पॉजिटिव जोड़ दो, देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब यहां इसको कर दो नेगेटिव और इसको कर दो पॉजिटिव, ये समझना, ये मैंने ऐसे बना दिया था थिकनेस, थिकनेस को आप तुम इमेजिन करना, ठीक है, थिकनेस होगी इसमें भी होती है, सब में होती है थिकनेस। तो क्या हुआ, इसको मैंने नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ऐसे, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव रिलेटिव फील आ गई। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है काइनेटिक एनर्जी से आगे जा रहा है, उस पर फोर्स कहां लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा ऐसा, ई, है ना, इस तरफ, मतलब ये ऐसे भाग रहा है और फोर्स यहां लग रहा है, तो रिटार्डेशन हो जाएगा, और यहां जस्ट यहां पहुंचने पे वो रुक जाए, रुक गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, रुक गया तो फिर फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ, तो फिर वापस आ जाएगा यहीं पे, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक। और जो इससे कम एनर्जी वाले हैं,
जो इससे कम एनर्जी वाले हैं वो तो यहां से आगे भागेंगे, यहीं रुक जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन था उसको उसका रिटार्डेशन होते होते यहां रुकेगा वो, और जो इससे कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन से वो तो यहीं पर रुक जाएंगे, कुछ तो यहीं रुक जाएंगे, कुछ तो यहीं रुक जाएंगे, है ना। कुछ जो सरफेस से जस्ट निकले थे वो तुरंत वापस चले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्लियर। तो यहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला नहीं, ये तो ईएमएफ ई है, क्योंकि यहां रेजिस्टेंस है, इसलिए ईएमएफ के बराबर यहां पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं बोलूंगा वीए माइनस वीसी, वीए माइनस वीसी, समझ गए। अब देखो वीए माइनस वीसी करोगे तो ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये लो और ये हाई, तो ये नेगेटिव आएगा। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हमें वीए माइनस वीसी का क्या देखना है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, हमें VA माइनस VC का क्या देखना है, VA माइनस VC का मैग्नीट्यूड देखना है, ठीक। उस इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, कैथोड और एनोड के बीच का वो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, वो मिनिमम पोटेंशियल। अब यार मान लो यहां पे नेगेटिव, अब तो इसको और हाई कर दो, और नेगेटिव कर दो, और ज्यादा नेगेटिव कर दो, तो फिर जो हाईएस्ट वाला इलेक्ट्रॉन, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला है वो यही रुक जाएगा। मुझे यहां नहीं रोकना है, मुझे जस्ट यहीं पे रोकना है, क्यों, अगर तुम्हें यहां रुकना है तो और ज्यादा लगाओ नेगेटिव, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ाओ, है ना। तो मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा की तो कोई लिमिट ही नहीं है, मुझे मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो यहां मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, जिससे क्या हो जाए, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी एनोड तक ना पहुंच पाए, तो फिर उससे कम एनर्जी वाले तो पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता। मतलब सर्किट में करंट क्या हो जाएगी, फोटो करंट क्या हो जाएगी, जीरो। इस मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्लियर, ध्यान रखना ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। वीए माइनस वीसी क्या है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको वीएस लिख देंगे हम, वीएस, या कहीं कहीं कुछ लोग इसको वी नॉट भी लिखते हैं, तो जैसा भी लिखा हो ध्यान रखना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन याद है, क्लियर है, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड बाय विच एट विच द फोटो करेंट इन द सर्किट बिकम्स जीरो, ये लिख लेना, इट इज डिनोटेड बाय वीएस, क्लियर है। चलो अब देखो ध्यान से, अब मैं इसका उल्टा कर रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना, अब मैं इसका उल्टा कर रहा हूं, ये मैंने डिफाइन कर दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल, लिख लेना, अब मैं इसका उल्टा कर रहा हूं, देखो उल्टा क्या कर रहा हूं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो हो गया हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या होता है वीएस, इसकी डेफिनेशन मैंने बता दी आपको। अब मैं बताने जा रहा हूं सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट, बेटा तो देखना ध्यान से इसको, सैचुरेशन करंट को हम आई और सफिक्स में एस, आईएस से लिखते हैं, ये क्या होता है देखो ध्यान से। अब मैं क्या करता हूं, देखो मैंने अभी बोला था आपसे कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसमें से कुछ ही इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच पा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास सफिशियंट एनर्जी नहीं है, वो यहां से अंदर से यहां तक आने ही में अपनी एनर्जी खर्च कर देते हैं, वर्क फंक्शन के बराबर उसमें एनर्जी बचती है जिससे वो सरफेस से बाहर निकल जाते हैं, बस आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्लियर। तो अब सुनो ध्यान से, मान लेते हैं अब मैं क्या करता हूं, देखो अब मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन बढ़े, इलेक्ट्रॉन पहुंचे, ठीक। तो मैंने क्या किया, अभी कोई बैटरी नहीं जोड़ी, बेटा बिल्कुल ध्यान सुनना, मैंने कोई बैटरी नहीं जोड़ी, ठीक, बैटरी हटा दो, यहां से लाइट इंसिडेंट की, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, एक सेकेंड में मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड यहां से निकल रहे हैं, लेकिन मैंने बोला कि सारे इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाते हैं, तो इनमें से 20 इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन्स, तो 20 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पहुंच गए, क्लियर। अब ये सोचो तुम, 20 इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पहुंच गए, बैटरी जुड़ी नहीं है, है ना, तो यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पे कौन सा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं यार, तो यहां पर कुछ पॉजिटिव बन जाएगा ये, और यहां इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं तो ये नेगेटिव बन जाएगा, क्लियर। तो देखो करंट, इलेक्ट्रॉन जा तो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा तो रहे हैं, अब जरा सोचो ये पॉजिटिव हो गया तो जो इसके बाद वाले इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ये पॉजिटिव तो उनको अट्रैक्ट करने लगेगा, है ना। तो जिनके पास एनर्जी थी
वो भी नहीं पहुंच पाएंगे आगे, यहीं पे डिपॉजिट होने लगेंगे, है ना, और वापस खिंच जाएंगे। क्लियर? तो हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, यहां से जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो सब पहुंचे आगे। तो मैंने क्या किया इसके लिए, अभी देखो एक सेकंड में यहां से 100 निकल रहे थे, 20 पहुंच रहे थे, तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना है अपन को, बस इतना करना है कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, बैटरी जोड़ दो। तो बैटरी जोड़ी, पहले मैं रोक रहा था तो मैंने बैटरी जोड़ी, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव कर दिया, मतलब रिटार्डेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कर दे तो रिटार्डेशन हो गया। अब मैंने क्या किया देखो, अब मैंने यहां पॉजिटिव कर दिया और यहां नेगेटिव कर दिया। क्लियर? यहां पॉजिटिव कर दिया, यहां नेगेटिव कर दिया, बैटरी का पोलैरिटी बदल दिया। तो यहां पे अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो जाएगी, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी यहां, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ई इस तरफ लगेगा, है ना, तो फिर इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट करेगी। जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी नहीं है वो भी अब यहां जाने लगेंगे, मतलब धीमे धीमे, देखो अभी एक सेकंड में कितने 100 निकल रहे थे, 20 पहुंच रहे थे, फिर 30 पहुंचेंगे, इसको और बढ़ा दो, ये और इलेक्ट्रिक फील्ड हाई कर दो, 40 पहुंचने लगेंगे, 50, 60, 70, 80, 90, 100, मतलब एक सेकंड में यहां से 100 निकल रहे थे, अब एक सेकंड में पूरे के पूरे 100 यहां पहुंचने लगे। किस पोटेंशियल डिफरेंस पर, इसका नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस यहां देखना है, तो एक VA पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VC ऐसा आएगा जिस पर जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से एक सेकंड में निकल रहे हैं पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहे हैं। ठीक है, मतलब सर्किट में करंट मैक्सिमम हो गई। अब तुम और बढ़ाओ इसको, लालच आ गया अब हमें, हमने देखा कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ा रहे हैं, इसको और हाई कर दिया, और पॉजिटिव और पॉजिटिव, इसको और नेगेटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ने लगा। लेकिन क्या यहां से एक सेकंड में 100 निकल रहे थे, यहां 100 पहुंचने लगे, अब क्या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से यहां इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा ज्यादा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन के निकलने का क्या संबंध है? इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं लाइट की प्रॉपर्टी से, लाइट की इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी जो भी, जिसकी वजह से भी निकल रहे हो, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जब हमने बढ़ाया तो एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस आया, ठीक है, एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस आया मिनिमम, जिस पर सर्किट में करंट मैक्सिमम हो गई, और इसके बाद लाइट की प्रॉपर्टीज को बिना चेंज किए, लाइट की प्रॉपर्टीज को नहीं बदलना है, अगर तुमने और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो 100 के बाद 200 थोड़ी निकलने लगेंगे, 100 ही रहेंगे, तो करंट की वैल्यू जो थी वही रहेगी, मतलब मैक्सिमम करंट जो फ्लो हो रही थी उससे ज्यादा अब नहीं बढ़ेगी, जब तक कि आप इस लाइट की प्रॉपर्टीज को ना बदलो। क्लियर? तो एनोड और कैथोड के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा आता है जिस पर सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाती है, और यह करंट तब तक नहीं बढ़ती जब तक कि हम लाइट की प्रॉपर्टीज को ना बदलें। ठीक, इस मैक्सिमम करंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। तो देखो सैचुरेशन करंट क्या होता है, द मैक्सिमम करंट विच कांट बी इंक्रीज्ड, विच कांट बी इंक्रीज्ड बाय ओनली बाय इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, एनोड एंड कैथोड। ठीक है, इट कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय चेंजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट। अब प्रॉपर्टीज कौन सी, तो हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं इसका, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट क्या होती है, मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट, अभी हमने याद करो फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ बनाया था, फोटो करंट ये करंट थी और यहां इंटेंसिटी थी, इसका ग्राफ ये था, है ना। तो आप अगर इंटेंसिटी बढ़ा दो इसकी, अगर आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दो तो यहां से और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, एक सेकंड में 100 निकल रहे थे, अब कहो 200 निकलने लगे, कितने 200 निकलने लगे, और 200 निकलने लगेंगे तो अब तुम और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओ, तो पहले 100 पहुंच रहे थे, अब धीमे धीमे और ज्यादा 110 120 140 150 फिर 200 पहुंचने लगेंगे, मतलब ये नई सैचुरेशन करंट हो जाएगी। इसके बाद 200 के 200 यहां पहुंचने लगे पर सेकंड,
फिर तुम बढ़ाते जाओ इसको तो फिर से नहीं बढ़ेगी करें। क्लियर? मतलब कि दिस द मैक्सिमम करंट विच कांट बी इंक्रीज्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड कैथोड इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट आई एस। इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, लिख देना, इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये ध्यान रखना, ठीक है? अब तो हमने देखा यहां पे कैसे वेरी करता है। क्लियर? अब हम दो ग्राफ और बनाने जा रहे हैं। देखो, अभी मैंने फोटो करंट का इंटेंसिटी के साथ ग्राफ ये बनाया था, ठीक है? अब मैं देखना ध्यान से, अब मैं फिर से फोटो करंट का ग्राफ बना रहा हूं। देखो, फोटो करंट का ग्राफ मैं फिर से बना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। किसके साथ फोटो करंट का ग्राफ मैं, देखो मैंने अभी क्या बनाया, अभी मैंने क्या सीखा वो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? अब हम इंटेंसिटी को चेंज करेंगे, ध्यान से सुनना, इंटेंसिटी को चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे, तो वेरिएशन ऑफ, यहां मैं लिख देता हूं, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट बाय नहीं विथ विथ इंटेंसिटी विथ इंटेंसिटी कीपिंग, ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? न्यू, ये होती है फ्रीक्वेंसी न्यू, लिख ले उसको, ठीक है? कीपिंग न्यू कांस्टेंट, ठीक बेटा? तो देखो यहां पे मैं करंट लिख रहा हूं, ये हमारा करंट है, और यहां पर मैं, अब ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी बात है, यहां पे मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल बनाया। क्या बनाया? स्टॉपिंग पोटेंशियल। करंट किस पे डिपेंड करती है? यहां मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बनाया था ना, शो उस पे डिपेंड करती है ना। तो देखो क्या हुआ, ग्राफ कैसा मिला मुझे, देखना, ये ग्राफ मिला मुझे, ठीक, क्लियर? अब इसमें इंटेंसिटी कितनी है? मैंने माना कि इसमें इंटेंसिटी है आई वन, क्लियर? अच्छा, यहां पे है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पोटेंशियल डिफरेंस? कौन सा? वी ए माइनस वी सी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बिटवीन कैथोड एनोड एंड कैथोड, तो वी ए माइनस वी सी। देखो बहुत अच्छी चीज है, अगर आप ध्यान से समझोगे, कोशिश करोगे तो मजा आएगा आपको समझने, ठीक? तो चलो भाई, मैंने क्या किया, यहां पे मैंने ले लिया इंटेंसिटी और यहां पर मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल बनाया, ये है ओरिजिन। अब थोड़ा सा ध्यान दो, देखो इसके दो पार्ट्स हैं, कौन से? एक तो ये पार्ट है, मतलब जब VA माइनस VC पॉजिटिव है, और एक यहां है जब VA माइनस VC नेगेटिव है, क्लियर? तो सबसे पहले तो मैं देखता हूं, इस वाले पार्ट को, बेटा देखो यहां VA माइनस VC बढ़ता जा रहा है ना, VA माइनस VC बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव में बढ़ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, मतलब ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, खींच रहा है। तो मैंने क्या बताया था भैया, ऐसा थोड़ी कि इसको बढ़ाते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा बढ़ते जाएंगे, एक लिमिट तक बढ़ेंगे, जितने निकल रहे हैं वो पूरे के पूरे यहां पहुंचने लगे पर सेकेंड, तब तक बढ़ेगी करंट, उसके बाद भी बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी, उसके बाद तुम खूब बढ़ाते जाओगे। देखो क्या हो रहा है, ये ग्राफ देखो, यहां देखो, ये जैसे जैसे तुम ये बढ़ा रहे हो करंट, देखो बढ़ रही है, देखो यहां से ये करंट बढ़ती जा रही, लेकिन फिर क्या हो गई, ये करंट कांस्टेंट हो गई, देखो ये है ना। तो इसको मैंने बोला आई एस वन, यहां पे आई एस वन, इसको लिख देंगे आई एस वन, इंटेंसिटी आई वन, सेचुरेशन करंट आई एस वन, क्लियर? और यहां देखो जरा, जैसे जैसे मैंने ये, देखो यहां पे ये नेगेटिव हो गया, ये यहां पे VA माइनस VC
यहां नेगेटिव आ गया और नेगेटिव में यहां बढ़ रहा है, मतलब मैंने क्या किया होगा, इसको नेगेटिव कर दिया होगा, इसको पॉजिटिव कर दिया होगा। लेकिन होता क्या है, इसको तुम खूब नेगेटिव कर दो, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो अपने आप ही पहुंच जाते हैं। अच्छा तो पहले इस वाले पार्ट को देखो, इस पॉइंट पर VA माइनस BC क्या है, जीरो, मतलब यहां बैटरी नहीं है। VA माइनस BC जीरो है मतलब बैटरी नहीं है, लेकिन तब भी करंट फ्लो हो रही है, देखो तब भी करंट है, इतनी करंट है। क्यों है ये, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनके पास वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी है, मतलब जो एनर्जी आई इसने ली बाहर निकलने में, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी खर्च हो गई और बची उससे ये यहां पहुंच गए, मतलब इनके पास अब ये अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी की वजह से पहुंचे हैं। अब देखो मैंने इसको यहां पे देखो ये नेगेटिव कर दिया, मतलब मैंने अब इन जो इलेक्ट्रॉन अपने वजह से पहुंच रहे हैं ना उनको भी रोकने की कोशिश की, तो मैंने यहां नेगेटिव लगा दिया, यहां पॉजिटिव लगा दिया। लेकिन जरूरी है क्या इस पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन रुक जाए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो गई तो फोर्स यहां लगने लगा, तो यहां से यहां तक जाने में हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन ना रुके, उनके पास ज्यादा एनर्जी थी तो वो पहुंच गए, रिटार्डेशन हुआ उनका, यहां से आगे भागे, वेलोसिटी ज्यादा है, रिटार्डेशन हुआ, देखो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऐसे, लेकिन फिर भी पहुंच गए। मतलब करंट क्या होगी, धीमे धीमे जैसे जैसे तुम इसका नेगेटिव बढ़ाते जाओगे, इसका पॉजिटिव बढ़ाते जाओगे, तो जो एनर्जी जिनके पास खुद की एनर्जी है वो धीमे धीमे रुकने लगेंगे। हो सकता है अभी भी हाईएस्ट एनर्जी वाला पहुंच रहा हो, जिनके पास थोड़ी बहुत एनर्जी है वो वापस आने लगेंगे, वो नहीं पहुंच पाएंगे वहां पे। मतलब करंट की वैल्यू देखो यहां पे डिक्रीज हो रही, ये करंट डिक्रीज हो रही है, और फिर एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जिसे हम क्या बोलते थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो ये नेगेटिव में सबसे बड़ा है पोटेंशियल, है ना, नेगेटिव में सबसे बड़ा पोटेंशियल। तो नेगेटिव में ये वाला जब पोटेंशियल काफी नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, तो एक ऐसा पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जिसपे जो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन वो भी नहीं जा पाएगा, तब करंट देखो जीरो हो गई। क्लियर, तो ये ग्राफ क्लियर है। अब देखो मैंने क्या किया, अच्छा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी है हमने, ये ध्यान रखना, इंटेंसिटी को मैंने बढ़ा दिया, अब मैंने ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट भेजी। जब मैंने ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट भेजी देखो मैंने, और फ्रीक्वेंसी क्या है, कॉन्स्टेंट, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू। अच्छा फिर देखो फ्रीक्वेंसी न्यू ही रख के मैंने फिर से ग्राफ बनाया तो ये बन गया, मतलब देखो बेटा इसमें जो इंटेंसिटी है वो है आई टू, और जो करंट है देखो इसकी सैचुरेशन करंट थी आई एस वन और इसकी सैचुरेशन करंट थी आई एस टू। तो जैसे मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई देखो सैचुरेशन करंट बढ़ गई, तो यहां पर हमें दिया क्या है देखना ध्यान से, I2 greater than I1, intensity ये बड़ी है, I1 छोटी है, तो फिर IS2 greater than IS1, मतलब saturation current IS2 बड़ी होगी। अच्छा frequency new क्या है, constant है, ये देखो ये सारे ग्राफ आपको याद रखने पड़ेंगे, frequency new constant है, इसलिए stopping potential देखो दोनों में इसमें stopping potential same है, तो VS बराबर कॉन्स्टेंट। क्लियर, ये इतने ऑब्जर्वेशन समय इसमें मिले, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, अभी क्यों मिले क्या हुआ ये सब सीखेंगे हम लोग, लेकिन पहले इतना आपको याद रखना जरूरी है। तो बेटा देखो अभी हमने जो ग्राफ बनाया, जो मैंने अभी ग्राफ बनाया था उससे रिजल्ट क्या निकला, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं, एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते हैं तो सैचुरेशन करंट ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर, अभी बनाया आई एस वन और आई एस टू हो गई थी, जब इंटेंसिटी आई वन और आई टू थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट था। क्लियर, ये मैंने बताया ग्राफ में, तो क्या लिखा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, वी एस डज नॉट चेंज, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट चेंज व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंजेस, एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज हो रही है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदल रहा, अभी सीखा हमने पिछले ग्राफ में, एंड फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ लाइट केप्ट कांस्टेंट, इंटेंसिटी बदल रही थी तो इंटेंसिटी के बदलने से स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलता। क्लियर, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी थी इसलिए स्टॉपिंग और स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट था। क्लियर, अब थोड़ा सा ध्यान दो, तो ध्यान रखना यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी बदलने पे तो नहीं बदलता, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी बदलने पे तो नहीं बदलता, अभी ग्राफ में देखा, और
ये ऑब्जर्वेशन है, और अभी ये मत पूछना क्यों, अभी सीखेंगे सब, और फ्रीक्वेंसी नहीं बदली और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं बदला, फ्रीक्वेंसी नहीं बदली तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं बदला, ये ध्यान रखना, क्लियर। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं बेटा, यहां पर मैं एक्चुअली में स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहां पे मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, मिनिमम वोल्टेज जो कि इस मैग्नीट्यूड होता है उसका, ये नेगेटिव होता है, देखो VA माइनस VC स्टॉपिंग करना है तो इसको नेगेटिव लगाना पड़ता है फर्स्ट, तो VA माइनस VC नेगेटिव आएगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड होता है जो, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, मैग्नीट्यूड को ध्यान रखना, नहीं तो नेगेटिव में लिखो माइनस 5 वोल्ट, नहीं मैग्नीट्यूड ध्यान रखना इसको, ठीक। तो यहां पर मैंने जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया था वो क्या होता है, VA माइनस VC, मैग्नीट्यूड ऑफ VA माइनस VC, थोड़ा सा यहां देखेंगे ध्यान से, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, VA माइनस VC, और इसका मैग्नीट्यूड बराबर है VS, मैंने माना था उसको, क्या माना था, VS, थोड़ा सा VS क्या है, इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर। और यहां से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, मुझे रोकना किसको था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जिसके पास थी उसको रोकना था, है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जब हम लगा देते हैं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वाला इलेक्ट्रॉन रुक जाता है यहां, जस्ट यहां रुक जाता है और फिर वापस आ जाता है ना, करंट फ्लो नहीं कर पाता, तो इससे कम एनर्जी वाले तो ऑब्वियस सी बात है अपने आप रुक जाएंगे, है ना, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल पे करंट जीरो हो जाएगी, क्लियर, ओके सेट, मतलब फोटो करंट फ्लो ही नहीं होगी सर्किट में, ओके। अब मैं एक्चुअली में इस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, VA माइनस VC का मैग्नीट्यूड बराबर BS, किसके बीच में रिलेशन निकालना चाहता हूं, क्या KE max और VA माइनस VC बराबर VS, तो आपको पता है कि वर्क डन बाय पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, सबको याद है मैंने पूरा प्रूफ करवाया है इसको, तो हम लिखेंगे यहां पे देखना ध्यान से, चेंज इन वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस भैया, ठीक है, बराबर डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहां पे एक ही तो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, और वही उसी की वजह से के ई मैक्स है फाइनली जीरो हो रही है, क्लियर। तो यहां पर वर्क डन कितना होगा, वर्क डन यहां से यहां तक जाने में, अब सोचो एक जगह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में डब्ल्यू बराबर पोटेंशियल डिफरेंस इंटू क्यू, याद है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी एस, और इंटू क्यू कितना है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो ये हो जाएगा ई इंटू वी एस, ठीक, E इंटू वी एस, जहां वी एस क्या है वी ए माइनस वी सी, ध्यान रखना, ठीक, तो E इंटू वी एस बराबर डेल्टा की, तो अब ये साइन नहीं लिख रहा हूं मैं, साइन भी लिख दोगे तो भी सही आएगा, तुम चाहो तो लिख सकते हो साइन के साथ, तो ये E इंटू वी एस बराबर डेल्टा के, अब डेल्टा के इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी और वो जीरो हो गई, मतलब के ई मैक्स, अब ये मत सोचना फाइनल माइनस इनिशियल करो जीरो माइनस के ई मैक्स, तो वो यहां पे भी नेगेटिव ही आएगा, तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा, ठीक, तो EVS बराबर के ई मैक्स, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, और ये जूल होगा, क्या होगा जूल, क्लियर, ये आएगा जूल में, ऐसा यूनिट में। अब के ई मैक्स को हम लिख सकते हैं हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, तो EVS बराबर हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, जहां पे एम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मास है और वी मैक्स निकलते टाइम इसकी काइनेटिक वेलोसिटी है मैक्सिमम, तो ये दूसरा फॉर्मूला आ गया है ना। अब इसी से देखो, इससे एक और फॉर्मूला लिख सकते हो बेटा, ये के ई मैक्स जो है, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से, अभी बता देता हूं बाद में बताना पड़ेगा, के ई मैक्स बराबर है ई वी एस, और इसकी यूनिट क्या है जूल, अगर मैं जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहूं तो पता है क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करना पड़ता है, सबको पता होगा है ना, तो क्या कर दो, के ई मैक्स बराबर इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इसको डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा वी एस, क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा ये, ठीक, ये भी मैंने आपको सिखाया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो ये हमें सब चीजें याद रखनी है, ठीक,
ये फॉर्मूले हैं। अच्छा चलो ठीक है, फॉर्मूले की तो बात हो गई, सीधी सी बात है यहां से अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, देखो दिख रहा है, अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है तो हमें ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा। ठीक, सिंपल सी बात है। तो रिजल्ट क्या निकले हैं ये 100% आपको ध्यान रखने हैं, क्लियर। अब देखो इसी के बाद मैं ये मिटा रहा हूं, अभी हमने ये वाला ग्राफ पढ़ा था, देखो ये क्या था, ये वेरिएशन ऑफ फोटो करेंट विथ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को वेरी किया था फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट। अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, विथ उल्टा कर रहा हूं, विथ फ्रीक्वेंसी क्या न्यू, और कीपिंग, अब क्या कॉन्स्टेंट, कीपिंग इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट, क्लियर, कीपिंग इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट, इसको स्टडी कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले तो मैं ये मिटा रहा हूं, इसको 100% आपको याद रखना ही है, एक भी कोई भूला तो बस गड़बड़ हो गई, ठीक, फिर दिक्कत शुरू। तो चलिए ये सब मिटा रहा हूं रिजल्ट में, ये रिजल्ट तो पिछले उस पे थे, अब हम इसके रिजल्ट्स देखेंगे क्या रिजल्ट्स आते हैं इसमें। ठीक चलो, तो देखते हैं रिजल्ट्स इसके, चलो भाई देखो। तो बेटा अब मैंने क्या किया है, यहां पे देखिए, हाँ बेटा, तो हमें फोटो करंट का वेरिएशन देखना है फ्रीक्वेंसी के साथ, जबकि इंटेंसिटी कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, समझ में आया, कैसे बनता है, कैसे बनेगा मुझे नहीं पता, ये तो ऑब्जर्वेशंस हैं, ऐसे बना उसने जब प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया तो उसको ये ग्राफ मिले, ये वेरिएशंस मिले, मैं वो बना रहा हूं। तो यहां पे क्या है, करंट आई, ये आई लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, और यहां पे वही वी ए माइनस वी सी, मतलब क्या वी ए माइनस वी सी, अब वी ए माइनस वी सी को मत बोल देना स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी ए माइनस वी सी के जो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मैग्नीट्यूड होता है जिस पर करंट जीरो होती है उसको बोलते हैं, मतलब यही कहीं होगा, इस साइड होगा क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव ही होगा, वी ए माइनस वी सी, जब ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड करेगा, रिपेल करेगा, ये तो नेगेटिव ही होगा बी ए माइनस बी सी। ठीक ओके चलो, अब देखो तो यहां पर बहुत ध्यान समझो, कुछ लोग ग्राफ ऐसे बनाते हैं, अभी मैंने देखा था कि इंटेंसिटी को डबल करोगे, पहले सबसे पहला ग्राफ इंटेंसिटी को डबल करोगे तो फोटो करंट डबल हो जाती थी, सही बात है, ट्रिपल करोगे ट्रिपल हो जाती थी, मतलब इंटेंसिटी को जितना बढ़ाओगे, इंटेंसिटी को, तो मतलब यह हुआ कि अगर मैं इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखूं, देखो क्या लिखा है इसमें, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखूं तो फिर फोटो करंट सैचुरेशन करंट मैक्सिमम होनी चाहिए, तो यह बिल्कुल गलत है। कुछ लोग ऐसे बनाएंगे इसको ग्राफ, देखो क्योंकि पहला रिजल्ट यही बता रहा था, है ना, लेकिन फिर भी अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हो, फिर से एक बार सुनो मेरी बात, अगर आप फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखो और इंटेंसिटी को डबल करो, सिंपल शब्दों में सुनो, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखो इंटेंसिटी को डबल करो तो करंट डबल होती है। ठीक, अगर तुम फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी को डबल कर दो और फ्रीक्वेंसी को भी चेंज कर दो तो वैसा वेरिएशन नहीं होगा जो मैंने बोला था पहले ग्राफ में आया था, फर्स्ट ग्राफ स्ट्रेट लाइन, वो नहीं होगा, ये ध्यान रखना, वो ग्राफ तभी के लिए है जब इंटेंसिटी वेरी कर रही है और फ्रीक्वेंसी न्यू कांस्टेंट है, लेकिन यहां देखो क्या हो रहा है, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद फ्रीक्वेंसी चेंजिंग, फ्रीक्वेंसी बदल रही है और यहां इंटेंसिटी कांस्टेंट है, समझ गया ना, तो इंटेंसिटी कांस्टेंट रहने पे करंट तो सैचुरेशन करंट तो कांस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी, नहीं होगी, समझ गया ना, क्योंकि यहां फ्रीक्वेंसी बदल रही है, वो तभी होगी कांस्टेंट जब फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहे, समझ गए ना, और सीधा सीधा प्रोपोर्शनल में आता है करंट, इंटेंसिटी डबल करो करंट डबल, लेकिन कब, जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ध्यान रखो, लेकिन यहां पे फ्रीक्वेंसी बदल रही है और इंटेंसिटी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है तब भी फोटो करंट
बदलेगी, समझ गए ना, सैचुरेशन करंट बदलेगी। तो ये ध्यान रखना कि कुछ लोग कैसा ग्राफ बनाएंगे इसका। देखो अब एक बात और, इसका ग्राफ मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी न्यू वन पे हमें ऐसे मिला और फ्रीक्वेंसी न्यू टू पे कुछ लोग ऐसा ग्राफ बना देते हैं, देखो ऐसा ये जाता है ग्राफ उनका, मतलब यहां पे इंटेंसिटी कांस्टेंट है, आई बराबर कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है तो वो कहेंगे कि करंट भी कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब सैचुरेशन करंट, ये सैचुरेशन करंट तो ये होगी ना आई एस, आई एस भी कांस्टेंट होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यहां फ्रीक्वेंसी देखो इस पे है न्यू वन और इस फ्रीक्वेंसी किस फ्रीक्वेंसी ये वाली फ्रीक्वेंसी न्यू टू और यहां स्टॉपिंग पोटेंशियल ये देखो वी एस वन और ये वी एस टू, क्लियर। ये ऑब्जर्वेशन, ये ग्राफ ज्यादातर बुक्स में आपको यही मिलेगा, यहां पे सैचुरेशन करंट कांस्टेंट होगी, लेकिन ये 100% गलत है, जेई में अगर ऐसा बना दोगे गलत हो जाएगा, ठीक। अब देखो तो सही क्या है, ऑब्जर्वेशन जो उसको मिला था वो क्या है वो देखो, तो उसका ऑब्जर्वेशन ये तो मैं मिटा देता हूं, ध्यान रखना लेकिन इस बात को, ठीक। उसका जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था, देखो बेटा ये बी ए माइनस बी सी, ये ओरिजिन, और यहां पर जब हमने क्या किया, ये पहला ग्राफ मिला हमें, समझना इसको ध्यान से, ये सैचुरेशन करंट आई एस वन और यहां इंटेंसिटी आई, इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी आई, क्लियर। यहां ये स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला वी एस वन, इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी थी न्यू वन, समझ गए। अब यहां पे दूसरा ग्राफ बना तो दूसरा ग्राफ ऐसा आया, ऐसा ग्राफ आया, जबकि देखो ध्यान से ये सैचुरेशन करंट आई एस टू, ये करंट है आई, ठीक, और ये सैचुरेशन करंट आई एस टू है और यहां इंटेंसिटी क्या है, देखो मैं इंटेंसिटी लिख रहा हूं, इंटेंसिटी आई है, मतलब दोनों ही ग्राफ में इंटेंसिटी तो सेम है लेकिन सैचुरेशन करंट तब भी अलग है, क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी कांस्टेंट रखने से ही सिर्फ सैचुरेशन करंट कांस्टेंट नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होनी चाहिए, समझ में आया, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होनी चाहिए तभी होगा ये। तो ये न्यू वन और ये यहां फ्रीक्वेंसी है न्यू टू, तो हमने मेन ऑब्जर्वेशन, ये तो ध्यान रखेंगे हम लोग, मेन ऑब्जर्वेशन क्या था उसका कि अगर उसने देखो फ्रीक्वेंसी न्यू टू बड़ी है न्यू वन से, ये ऑब्जर्वेशन है ध्यान रखना, न्यू टू न्यू वन से बड़ा है, मतलब जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है न्यू टू वो न्यू वन से बड़ी है, इसलिए वी एस टू मतलब मैग्नीट्यूड, ध्यान रखना वी एस टू इज नॉट, वी एस टू नेगेटिव है लेकिन मैंने यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया, ये ध्यान रखना, तो वी एस टू इज ग्रेटर देन वी एस वन, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। तो ये ऑब्जर्वेशन आया, इसको ध्यान रखेंगे, मतलब क्या ऑब्जर्वेशन आया उसका, ऑब्जर्वेशन ये आया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब यहां पे ज्यादा नेगेटिव, इसको ज्यादा नेगेटिव लगाना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रॉन जो यहां से आ रहा है उसको रोकने के लिए यहां ज्यादा नेगेटिव लगाना पड़ेगा, कब, जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, क्लियर, ओके। इसका मतलब ये हुआ, देखो अगर यहां पे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ रहा है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि अभी हमने सीखा, अभी जस्ट सीखा के ई मैक्स बराबर ई इंटू वी एस, अब यहां ई तो कॉन्स्टेंट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि के ई मैक्स ज्यादा हो रहा होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें तभी यहां पे ज्यादा लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जब वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से आ रहा होगा, और इस ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से आ रहा होगा कब, जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, मतलब यह हुआ कि इस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकलता है और इसलिए उसको यहां रोकने के लिए ज्यादा हमें नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो लगाना पड़ता है, वी एस टू बड़ा है वी एस वन से, है ना, क्योंकि न्यू टू बड़ा है न्यू वन से, इसका मतलब हुआ कि यहां इस केस में इस वाली लाइट के लिए, मतलब अगर न्यू टू फ्रीक्वेंसी की लाइट गिर रही होगी तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे उनकी के ई मैक्स ज्यादा होगी, क्लियर। तो ये हमें ध्यान रखना है, तो ये ऑब्जर्वेशन इसका था, तो क्या ऑब्जर्वेशन था लिख देता हूं मैं इसको, देखो बेटा
सबसे पहले तो जो ग्राफ हमने बनाए हैं उसके रिजल्ट्स क्या है, ठीक है। तो उसका रिजल्ट है सबसे पहला, ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज। सही बात है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा। इट अच्छा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स पे। इट प्रूव्स दैट के मैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक। ये बहुत जरूरी है। अब इसके पहले ग्राफ जो बना था, इसके पहले जो ग्राफ बना था उसमें मैंने इंटेंसिटी को बदला था। इसके पहले वाला ग्राफ उसमें लिखना पहले वाले ग्राफ में कंक्लूजन में, उसमें मैंने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट किया था, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट था और इंटेंसिटी बढ़ाई थी। मतलब इंटेंसिटी वेरी करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलता, ये पिछले वाले ग्राफ से पता चल जाता है ना। तो ये एक, और ये वाला जो रिजल्ट है वो इसके पहले वाले में लिख लेना, के मैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। क्योंकि उसमें इंटेंसिटी पिछले वाले मैंने बदली थी, तो सैचुरेशन करंट बदली थी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदला। इसका मतलब के मैक्स नहीं बदला इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदला, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं बदली। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है के मैक्स, मतलब यहां जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो यहां के मैक्स बढ़ जाएगा, तो हमें ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। ये पिछले वाले में लिख लेना, ठीक, या इसी में भी लिख दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो आई होप इतनी बात सब लोग जरूर समझ गए होंगे। देखो बेटा, अभी हमने सीखा जो एक्सपेरिमेंट्स किए आइंस्टाइन ने, उनसे हमने जो कंक्लूजन्स निकाले, उनमें जो लास्ट कंक्लूजन अभी निकाला मैंने, उसमें लिखा कि काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है ना। तो अब उसने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया, ठीक। तो देखो, वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू ऑफ इंसिडेंट लाइट, क्लियर, कीपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, I, क्या रख दिया उसने, कांस्टेंट कर दिया इंटेंसिटी को, ठीक, या इंटेंसिटी को छोड़ दो, भूल जाओ इंटेंसिटी को, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब हम देखते हैं कैसा ग्राफ बनता है इसका, छोड़ो इसको, फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरीके से वेरी कर रही है क्या इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो उसका ग्राफ जब उसने बनाया तो देखो कैसे ग्राफ मिला उसका, देखना ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका ग्राफ ऐसे बना। अच्छा, अब उसने ये ग्राफ बनाया कैसे था, उसने ये ग्राफ बनाया था अलग अलग मेटल्स के लिए। एक बार एक मेटल ली, कोई सीजियम ले लिया, कोई भी मेटल ले ली, आयरन ले लिया, कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए उसने ये ग्राफ बनाया। तो यहां पर उसने रिप्रेजेंट किया के, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पर उसने रिप्रेजेंट किया फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, क्या, न्यू। तो देखो कैसे ग्राफ मिले, बहुत बहुत जरूरी है। ये ओरिजिन है, अब देखो उसको ग्राफ मिले ऐसे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिले उसको इस टाइप से। एक मेटल के लिए बनाया, मान लो ये मेटल वन है, तो ये M1 मेटल के लिए, मतलब मेटल वन कोई होगी उसके लिए ग्राफ ऐसा आया। दूसरी मेटल के लिए बनाया उसने तो ग्राफ ऐसा आया। तीसरी मेटल के लिए बनाया उसने तो ये ग्राफ ऐसा आया, ठीक। और विशेषता क्या थी इन सारे ग्राफ्स में, बहुत ध्यान सुनना, इन सारे ग्राफ की विशेषता ये थी कि इनका जो ये एंगल था, मतलब जो स्लोप था, ये हर मेटल के लिए सेम, मतलब ये M2 है, ये M3 है, सबके लिए सेम आया। देखो अब ये क्यों आया ये मुझे नहीं पता, ये तो ऑब्जर्वेशन से, ये तो एक्सपेरिमेंट है ना। अच्छा, एक मेटल के लिए ऐसा आया, दूसरे के लिए, मतलब सबके लिए क्या सेम था, सबके लिए ये स्लोप सेम था, क्लियर। लेकिन अब जरा अगर चलो इस पहले इतना ही का बात करते हैं, फिर हम इसको पीछे बढ़ाएंगे और जो इंटरसेप्ट आएगा वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट आएगा उसका डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं इतने ग्राफ का डिस्कस करता हूं, बेटा बहुत ध्यान सुनो। चलो M1 की बात करते हैं, तो देखो इस फ्रीक्वेंसी पर, मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू
ये है इतनी। इस फ्रीक्वेंसी पर पॉइंट तो यही है ना ग्राफ का, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है? जीरो। देखो ये जीरो पे मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम M1 मेटल यूज कर रहे हैं तो जब हम ये फ्रीक्वेंसी रखते हैं, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी रहती है, तब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जीरो है। मतलब इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता नहीं है मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है लेकिन उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं बचती। समझ में आया? मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि इतनी फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है जब इलेक्ट्रॉन को मिलती है तो वो सिर्फ क्या कर पाता है? मेटल के सरफेस से बाहर निकल पाता है। और ये एनर्जी क्या होती है? वर्क फंक्शन। मैंने क्या बोला था? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू जस्ट कम आउट फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से जस्ट बाहर निकलने के लिए, आगे नहीं। आगे भागेगा तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी उसके पास। तो अगर मैं मान लो सरफेस से निकलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी है, देखो ये इतनी, ये वाली फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो इस इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन जो सरफेस जो अंदर है, जो सरफेस पे है, उसको बाहर निकलने के लिए इतनी एनर्जी सफिशियंट है। मतलब ये एनर्जी जो इतनी फ्रीक्वेंसी से जो एनर्जी मिलेगी उसको, उस एनर्जी से वो जस्ट बाहर निकल पाता है। मतलब दिस एनर्जी इज करेस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम, दिस फ्रीक्वेंसी इज करेस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू मेक द इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। अब जरा देखो यहां, इसी यहां इतनी फ्रीक्वेंसी होगी। अब मैं यहां ले लेता हूं इस पॉइंट को, देखो इस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी देखो ये है, बढ़ गई फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर मैं उसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं तो क्या होता है? देखो यहां इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाती है। मतलब क्या हुआ? अब इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल आया और उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी भी है, मतलब इतनी काइनेटिक एनर्जी से वो बाहर भाग रहा है। क्लियर? तो इस एनर्जी, इस फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर है तो वो क्या कर पाता है? सिर्फ सरफेस से बाहर आ पाता है। मतलब ये हुआ, सुनना ध्यान से, मतलब ये हुआ कि इस फ्रीक्वेंसी ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है और इस फ्रीक्वेंसी के करेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी लाइट में, वो एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है। मतलब उतनी मिनिमम एनर्जी है जो रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन को जस्ट सरफेस से बाहर निकालने के लिए। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालना है तो इतनी एनर्जी देनी है, और अगर उसको आगे काइनेटिक एनर्जी भी देनी है तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी लाइट की। तो देखो यहां फ्रीक्वेंसी मैंने इतनी बढ़ा दी, ये हो गई फ्रीक्वेंसी, तो इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ गई। फ्रीक्वेंसी और बढ़ाओ, फ्रीक्वेंसी और बढ़ाओ, देखो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई। क्लियर? तो ये आप समझ गए होंगे। तो मतलब ये हुआ, देखो समझना बेटा, बहुत ध्यान समझना है। मतलब ये हुआ, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इस मेटल के लिए दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब मैं इसको, फ्रीक्वेंसी को यहीं पे रिप्रेजेंट कर देता हूं यहां पे, तो इसको बोलते हैं न्यू, लेकिन ये मिनिमम है, और इसको बोलते हैं थ्रस्ट होल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट होल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसको मैं न्यू टी एच वन लिख देता हूं, न्यू टी एच वन। अच्छा, और इस मतलब इस इतनी फ्रीक्वेंसी होगी तो वो जस्ट बाहर आ पाएगा। क्लियर? और ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी आती रहेगी। ऐसे देखो दूसरी मेटल के लिए, दूसरी मेटल के लिए यही मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाता है वो ज्यादा है। मतलब अगर हम मेटल M2 यूज कर रहे हैं तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो इतनी फ्रीक्वेंसी के करेस्पॉन्डिंग होगी, है ना? तो इसका वर्क फंक्शन, इस मेटल का वर्क फंक्शन इस वाले मेटल से ज्यादा हुआ, इस वाले मेटल का वर्क फंक्शन दोनों से ज्यादा है। क्लियर? क्योंकि इसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी और ज्यादा है। देखो ये हो गया न्यू टी एच टू, ये हो गया न्यू टी एच थ्री। क्लियर? तो आई थिंक ये बात सभी लोग जरूर समझ रहे होंगे। तो ये आया। अब पहले तो मैं इस स्ट्रेट लाइन की एक जनरल मेटल लेते हैं, एक मेटल लेते हैं, उसके लिए मैं इक्वेशन लिखता हूं। तो चलो मैंने यही वाली मेटल ले ली और इसका म्यू टी एच लिख दिया, इसका फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम है म्यू टी एच लिख दिया। क्लियर? तो पहले मैं एक रिजल्ट लिख दूं। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये है कि
फॉर एवरी मेटल देर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड टू मेक एन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल. देर इज अ मिनिमम एनर्जी मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू मेक एन इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस. दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्या बोला मैंने इसको, न्यू टीएच इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ये डेफिनेशन भी हो गई इसकी और कंक्लूजन भी हो गया. चलो भैया मिनिमम फ्रीक्वेंसी, अब बेटा थोड़ा सा ध्यान सुनो, थोड़ा सा ध्यान दो. आपको पता है फ्रीक्वेंसी का न्यू का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा, है ना, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, जहां सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और लैम्डा क्या है उस लाइट जो इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ. अब आप देखो न्यू इंटू लैम्डा बराबर सी. अब ये बताओ क्या स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है वैक्यूम में, नहीं होती है, लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. मतलब न्यू इंटू लैम्डा बराबर सी जो कि क्या है कांस्टेंट रहेगा. ये मतलब कभी भी एक वैक्यूम में लाइट की स्पीड चेंज नहीं होगी. अब अगर मैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी न्यू अलग 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 लाइट ले रहे हम तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी. तो मान लो अगर किसी अगर मैं वेव फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं, मैं फ्रीक्वेंसी को न्यू को बढ़ाता हूं, देन लैम्डा का क्या होगा, लैम्डा डिक्रीज होगी. समझ गए ना, क्योंकि इसका ये मल्टीप्लाई कांस्टेंट रहना चाहिए. मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट कब रहेगा, जब ये बढ़ाओगे तो ये घटेगा. तो न्यू देखो न्यू टीएच कैसी है, न्यू टीएच क्या है मिनिमम, देखो ध्यान से मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई लाइट है उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है न्यू टीएच. तो फिर हम एक लैम्डा भी डिफाइन कर सकते हैं न्यू टीएच के करस्पॉन्डिंग, लैम्डा टीएच. तो अगर ये मिनिमम है तो फिर ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा. मतलब अगर तुम इसको कम कर रहे हो तो फिर ये बढ़ेगा. मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्ड, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस लाइट की होगी उस लाइट की वेवलेंथ को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वेवलेंथ, है ना. तो यहां पर मैं दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकता हूं. तो द मैक्सिमम, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ टीएच. कौन सी थी, सॉरी लैम्डा टीएच. ये ध्यान रखें, दो डेफिनेशन हो गई, क्लियर. मतलब इस ग्राफ से हमें यही डिसाइड हुआ, निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन निकला कि हर मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी. अगर आप उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी लोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा, अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी लोगे तो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकलेगा लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, ठीक है. तो हमें सरफेस से जस्ट बाहर निकालने के लिए जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ, जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट की जरूरत पड़ती है, या कह दो मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइट की जरूरत पड़ती है, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और उस मैक्सिमम वेवलेंथ को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं. समझ गए ना, इनका रिलेशन क्या है, ये लिखा हुआ है, देखो न्यू इंटू लैम्डा बराबर सी. तो न्यू टीएच इंटू लैम्डा टीएच बराबर सी, क्लियर. तो ये बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना है आपको. ये तो मैं मिटा रहा हूं अभी, ठीक. अब बेटा देखो ध्यान से आप, अब
थोड़ा ध्यान देंगे तो इसकी मैं अब एक जनरल इक्वेशन इसकी डिराइव कर रहा हूं, बहुत जरूरी है देखना इसको ध्यान से, ग्राफ का पूरा एनालिसिस करते हैं। तो यहां पे इस ग्राफ को हम पीछे बढ़ा सकते हैं, अभी मैं इस इंटरसेप्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, और मैं क्या लिख रहा हूं इसकी इक्वेशन, इस लाइन की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में लिख रहा हूं। देखो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन आएगी, तो वाई बराबर एम, एम को मैं लिख रहा हूं ए, एक्स, एक्स है न्यू, तो ए न्यू प्लस इंटरसेप्ट सी उसको मैं लिख रहा हूं बी। तो मैंने इक्वेशन लिखी वाई बराबर ए न्यू प्लस बी, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान रहा हूं। अब मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए है ना, तो ए और बी की वैल्यू मैं बेटा ए की वैल्यू की थोड़ी जरूरत है, ए की वैल्यू की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो स्लोप है, ये स्लोप तो हम निकाल लेंगे, ग्राफ जब हमें प्लॉट कर लिया है तो स्लोप तो हम निकाल सकते हैं इसका। अब बी कैसे निकालेंगे तो समझो ध्यान से, अब इसमें कंडीशन देखो के ई जो है वो जीरो होगा, देखो इस पॉइंट का कंडीशन लगाओ, इस वाली पॉइंट का, तो अगर के ई को हम देखें तो इस पॉइंट पे जीरो है और फ्रीक्वेंसी कितनी है लैम्डा टी एच है ना, इसको न्यू नॉट भी लिख देते हैं, न्यू जीरो लैम्डा जीरो ऐसे भी लिख देते हैं ठीक। तो मैं वाई की जगह पे क्या लिखूंगा, वाई की जगह पे मैं, वाई की जगह पे मेरा आएगा के ई, तो यहां हो गया के ई। अब देखो एट न्यू बराबर न्यू टी एच, एट न्यू बराबर न्यू टी एच, न्यू बराबर न्यू टी एच पे अगर हम देखें तो के ई कितना होगा जीरो, के ई बराबर जीरो रखो इसमें, तो जीरो बराबर ए इंटू न्यू टी एच, देखो के ई की जगह जीरो, ए की जगह एक, न्यू की जगह न्यू टी एच, और प्लस बी, तो बी बराबर क्या आ गया, देखो बी बराबर आ गया माइनस ए इंटू न्यू टी एच, समझ गया ना। और बी क्या है, बी क्या है, बी क्या है, ये है बी, ये है बी इंटरसेप्ट, समझ गए ना। चलो भैया तो ए इंटू न्यू टी एच हो गया, तो ए बराबर मतलब बी बराबर आ गया हमारा, इसमें डाल दो तो इन इक्वेशन वन डालो इसमें, तो देखो ये के ई की वैल्यू हमारी आ गई ए इंटू, ए इंटू न्यू, ए इंटू न्यू, और प्लस बी की जगह पे ये आ गया तो ये माइनस हो गया, तो माइनस ए इंटू न्यू टी एच, क्लियर। अब बेटा देखो ध्यान से, के ई बराबर ए को कर लो बाहर और यहां आ जाएगा न्यू माइनस न्यू टी एच, समझ में आई बात सबको, आ गई होगी। चलो इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर टू, अब ध्यान दो, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी। अगर मुझसे कोई कहे ये ए कितना है, तो ए की वैल्यू, ए, ए मैंने बोला ए क्या है इसका स्लोप, तो ए तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे, तो जब हमने ए की वैल्यू उसने फाइंड की तो इट इज, इट वॉज फाउंड दैट ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू, बहुत ध्यान सुनना, ए की वैल्यू उसको प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर मिलेगी, कितनी, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 जो भी होती हो इंटू 10^-34 एसआई यूनिट, और इसकी एसआई यूनिट होती है जूल सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड, समझ गया ना। यहां मैंने लिख दिया है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा तो यहां लिख देता हूं, एसआई यूनिट होती है जूल सेकेंड, क्लियर। चलो ये ध्यान रखना, 6.62 × 10^-34 लिखा हुआ है यहां पर, दिख रहा होगा वैसे तो। चलो ए बराबर, ये हो गई इक्वेशन हमारी ठीक। अब मैंने ग्राफ बनाया, इसका स्लोप देखो, ये थीटा जो है प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर आया, मतलब इसको बोलते हैं एच, देखो क्या बोलते हैं हम इसको, एच बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट को हम एच लिखते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, क्लियर। तो हमारी ये फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी हमारी के ई बराबर ए को रख दो एच, तो ये हो जाएगा एच न्यू माइनस एच इंटू न्यू टी एच, क्लियर, ये बन गया। अब थोड़ा और ध्यान दो, अगर मुझे स्लोप चाहिए इसका, तो स्लोप मैंने देखो यहां पे क्या लिखा था ए न्यू प्लस बी, तो यहां पे ए की जगह पे क्या आ गया एच, मतलब इसका स्लोप जो है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमेशा एच बताएगा प्लैंक्स को, और देखो कॉन्स्टेंट है, सबके लिए कॉन्स्टेंट है, मतलब किसी भी मेटल के लिए बनाओगे तो ये स्लोप कांस्टेंट ही आएगा, किसका, के ई मैक्स और न्यू का। तो स्लोप
ऑफ, लिख लेना स्लोप ऑफ के ई, के ई एंड न्यू ग्राफ, के ई वर्सेज न्यू ग्राफ इज कॉन्स्टेंट विच इज एच बराबर 6.625 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, ये रिजल्ट निकला है। अब देखो अब आएगा मजा, अभी जो ऑब्जर्वेशन आए हैं ये सारे ऑब्जर्वेशन क्या मान के आए हैं कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में होती है, लाइट वेव के फॉर्म में आती है। अब क्या क्या गलतियां हुई इसमें, वेव एक्चुअली में जो हम लोग पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसने ये सारे रिजल्ट्स निकाल लिए। देखो सारे रिजल्ट आ गए हमारे पास, अब हम इन रिजल्ट्स को वेव नेचर से सेटिस्फाइड कराएंगे और देखेंगे होते हैं या नहीं। तो मैं बता देता हूं कि नहीं होंगे, इसलिए हम फाइनली बोलेंगे कि लाइट का नेचर, यहां फोटोग्राफिक इफेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए लाइट का नेचर हमें क्या मानना पड़ेगा, पार्टिकल नेचर। क्या पार्टिकल नेचर। तो अब इतना तो हो गया, अब एक और ऑब्जर्वेशन देखो, ये लिख लेना पूरा, लास्ट ऑब्जर्वेशन है। तो लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या था कि जैसे ही, बेटा ध्यान सुनना, लास्ट ऑब्जर्वेशन था, इसको मैं मिटा देता हूं पूरा, ठीक। लास्ट ऑब्जर्वेशन था कि टाइम लैगिंग का था, टाइम लैगिंग का मतलब जैसे ही हम किसी मेटल सरफेस पर सफिशियंट या रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट करते हैं, लाइट इंसिडेंट करते हैं, तो तुरंत ही देखो हम जब अभी फोटोग्राफी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे ही हम लाइट, जब हम किसी मेटल सरफेस पर लाइट इंसिडेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अब इसमें जो अगला वो था इंस्टेंटेनियस, ये था अगला इंस्टेंट, अगला रिजल्ट था, ऑब्जर्वेशन था इंस्टेंटेनियस इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा ये क्या था देखते हैं, उसने बोला कि जैसे ही हम किसी लाइट सरफेस पर, वो सॉरी मेटल सरफेस पर लाइट इंसिडेंट करते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटेनियसली, जैसे लाइट इंसिडेंट हुई इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब इसमें टाइम लैगिंग नहीं होती है, देयर इज नो टाइम लैगिंग बिटवीन द इंसिडेंस, लिख देता हूं मैं, देयर इज नो टाइम लैगिंग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ लाइट ऑन मेटल सरफेस, ऑन मेटालिक सरफेस एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में कोई टाइम लैगिंग नहीं होती है। एक्चुअली मैं बता देता हूं आपको, बहुत नेग्लिजिबल टाइम लगता है, कितना, ऑलमोस्ट 10^-9 सेकेंड्स का, मतलब नैनो सेकेंड का ऑर्डर होता है, सोचो कितना कम टाइम है, मतलब नेग्लिजिबल टाइम है, क्लियर। तो इसलिए हम बोलते हैं क्या, देयर इज नो टाइम लैगिंग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ लाइट ऑन द मेटल सरफेस एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। इतने रिजल्ट हमने देखो, कितने तीन तो ग्राफ बनाए, पहला ग्राफ इंटेंसिटी वर्सेस करंट का, दूसरा ग्राफ हमने बनाया था करंट वर्सेस इंटेंसिटी का, जबकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी, दूसरा हो गया। तीसरा ग्राफ हमने बनाया था इन करंट, फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, जबकि इंटेंसिटी कांस्टेंट थी, याद है ना। और चौथा हमने बनाया ग्राफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट का। और पांचवा कंक्लूजन हमारा ये था, देयर इज नो टाइम लैगिंग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कैसे एक्सप्लेन नहीं हो पाए, किस नेचर को मान के, वेव नेचर को मान के, ये हम सीखेंगे। और कौन सा नेचर इसको डिस्क्राइब करेगा, पार्टिकल नेचर। तो देखते हैं कैसे होता है। देखो बेटा अभी हमने
आइंस्टाइन ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो सारे हमने पढ़े, क्या उसने ऑब्जर्वेशन लिए वो देखे, और क्या कंक्लूजन्स निकाले वो देखे हमने, ठीक। फिर इन कंक्लूजन्स के बाद आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी जिसे हम बोलते हैं आइंस्टाइन्स पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। इन सबको ऑब्जर्वेशन के बाद पता है पर आइंस्टाइन ने क्या बोला था? आइंस्टाइन ने बोला कि लाइट वेव नेचर की नहीं होती है। मतलब समझना, ये नहीं बोला था कि वेव नेचर की नहीं होती है, उसने ये बोला था कि जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फिनोमेना है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें पार्टिकल को लाइट को वेव नेचर नहीं मानना है, ठीक। लाइट के वेव नेचर, लाइट का नेचर वेव नेचर मान के हम इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन नहीं कर सकते, हमें लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर मानना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, मैंने बोला पहले ही से बोला है कि लाइट के दोनों नेचर होते हैं, कभी कभी लाइट पार्टिकल नेचर शो करती है, कभी कभी अंडर सम सर्कमस्टांसेस परिस्थितियों पे डिपेंड करता है कि लाइट का नेचर क्या होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। परिस्थितियां बदलने पर लाइट चीज, हर चीज का नेचर बदलता है, तो ऐसे ही लाइट भी परिस्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में अपना अलग अलग नेचर शो करती है। कभी कभी ये कुछ परिस्थितियों में ये वेव नेचर शो करती है, कुछ सर्कमस्टांसेस में ये पार्टिकल नेचर शो करती है। तो देखो आइंस्टाइन ने क्या बोला, आइंस्टाइन पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट में उसने बोला कि अंडर सम सर्कमस्टांसेस, ठीक, लाइट बिहेव्स एज, लाइट ऐसे, आपने पढ़ा होगा क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक ने भी यही बोला था, बिल्कुल सेम, लेकिन कहां डिफरेंस था ये बताते हैं हम आपको। तो अंडर सम सर्कमस्टांसेस लाइट बिहेव्स एज इफ इट्स एनर्जी इज कॉन्सेंट्रेटेड इन फॉर्म ऑफ लोकलाइज्ड बंडल्स। बिल्कुल सही बात है, लाइट की जो एनर्जी है वो बंडल्स के फॉर्म में लोकलाइज्ड होती है, बंडल्स के फॉर्म में होती है, ऐसे मतलब कुछ पैकेट्स के फॉर्म में होती है, एक पैकेट दो पैकेट, मतलब हमें वहां तक एनर्जी पहुंचानी है तो हमारे पास बहुत सारे पत्थर हैं, क्या है, पत्थर के जितनी जिनकी एनर्जी क्या है, अच्छा ये बंडल्स हैं जिनको हम कहते हैं फोटोन, इन बंडल्स को ही हम क्या बोलते हैं, फोटोन, या क्वांटम भी कहते हैं, तो फोटोन्स बोलते हैं हम इनको। अब एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज, उसने बोला कि हर फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू, जहां एच क्या होता है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट जो मैं बता चुका हूं आपको, और न्यू इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है। आप सुनो, ये तो एक फोटोन की एनर्जी है, अगर मान लेते हैं हमारे पास n फोटोन है, इफ देयर आर n फोटॉन्स देन टोटल एनर्जी ऑफ लाइट q बराबर n टाइम्स ऑफ h न्यू, ये तो बड़ा सिंपल है। अच्छा ये इसमें क्या डिफरेंस, इसमें ये तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन इसने बोला कि ये पार्टिकल्स के फॉर्म में है लाइट, मतलब बंडल्स है, बंडल मतलब एक पार्टिकल जा रहा है, एक पार्टिकल जा रहा है, जबकि प्लैंक ने बस यही नहीं बोल पाया था, प्लैंक ने भी यही बताया था लेकिन उसने ये नहीं बोल पाया था कि ये पार्टिकल्स हैं, मतलब पार्टिकल नेचर शो करती है, उसने बोला था कि ये वेव नेचर ही है। मतलब अगर हम और अच्छे तरह समझाएं तुम्हें, तो अगर हम आइंस्टाइन के हिसाब से देखें तो हमारे पास जो एनर्जी है वो पत्थर के फॉर्म में, हम एक पत्थर फेंकेंगे दो पत्थर फेंकेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हम कि एक पत्थर फेंकें और अगले पत्थर को तोड़ के आधा पत्थर फेंक दें या 1/4 पत्थर फेंक दें, समझ गए ना, हम एक पत्थर फेंक सकते हैं, दो पत्थर फेंक सकते हैं, तीन फेंक सकते हैं, चार फेंक सकते हैं, लेकिन 3.5, 4, 5.5 ऐसे नहीं फेंक सकते हैं। मतलब एनर्जी क्वांटाइज्ड है, जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे किसी बॉडी का चार्ज क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल, ऐसे ही आइंस्टाइन ने बोला था कि किसी लाइट की जो एनर्जी है वो 1 h/n हो सकती है, 2 h/n हो सकती है, 3 h/n हो सकती है, 4 h/n हो सकती है, n h/n हो सकती है, जहां n इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये इंटीजर्स हैं। जबकि प्लैंक ने ऐसा नहीं बोला था, प्लैंक ने यही बताया था लेकिन उसने बोला था कि ये एनर्जी फ्लो कैसे होती है, जैसे कि एक ट्यूब में पानी फ्लो हो रहा है, एक ट्यूब में पानी फ्लो कर रहे हैं हम, ठीक, तो पानी में कोई क्वांटाइजेशन है क्या, आप कितना भी पार्ट ले सकते हो एनर्जी का, ये डिफरेंस था। इसको बोलते हैं वेव नेचर, इसको बोलते हैं वेव नेचर के कंटिन्यू फ्लो है, मतलब हम कितना भी पार्ट एनर्जी का ले सकते हैं, समझ गए ना, जबकि यहां पे क्या है, यहां पे ये डिफरेंस है कि हम कितना भी पार्ट नहीं ले सकते, 1 h/n ले सकते हो, 2 h/n ले सकते हो, 2.5 h/n नहीं ले सकते, 3 ले सकते हो, 4 h/n ले सकते हो, 5 h/n ले सकते हो, ये
क्वांटाइज्ड है, तो हम इसको पार्टिकल थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टिकल थ्योरी। पत्थर की तरह एनर्जी दे रहे हैं, पत्थर को फेंक फेंक के, बिल्कुल वो है। तो प्लैंक ने और इसने बिल्कुल सेम चीजें बताई, लेकिन बोलने में प्लैंक ने बोला कि एनर्जी इतनी है, हर फोटोन की एनर्जी है इतनी, लेकिन हम एनर्जी ले कितनी सकते हैं, उतनी जैसे कि ट्यूब में पानी फ्लो रहा है, कितना भी ले लो एनर्जी। जबकि प्लैंक आइंस्टाइन ने बोला कि नहीं, हम कुछ डिस्क्रीट एनर्जीज ही ले सकते हैं, और वो क्या होंगी? एच न्यू का मल्टीपल होंगी, इंटीग्रल मल्टीपल होंगी। क्लियर? ये डिफरेंस था। अब देखो बहुत ध्यान से, जल्दी से मैं इंटेंसिटी को और डिफाइन कर दूं, और फिर मैं बताऊंगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर से प्रूफ करने में क्यों फेल हो गया था, वेव नेचर की फेल्योर क्या है, वेव नेचर कैसे फेल हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्क्राइब करने में, जबकि पार्टिकल नेचर, पार्टिकल थ्योरी क्यों सक्सेस हो गई, तो ये हम लोग देखेंगे। तो पहले, सबसे पहले इंटेंसिटी क्या होती है लाइट की, जो हम बोलते अभी तक बोलते रहे कि इंटेंसिटी इंटेंसिटी, वो क्या है? तो फ्रीक्वेंसी क्या है वो आप समझ गए। देखो ये लिखी है फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी लाइट की न्यू है तो एक फोटोन की एनर्जी होगी एच न्यू। क्लियर? अब यहां देखो, तो यहां पे इंटेंसिटी क्या होती है, सुनना ध्यान से, इंटेंसिटी एनर्जी, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और एक और शब्द जोड़ना चाहिए हमें, परपेंडिकुलर टू द एरिया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये हमें जोड़ना चाहिए, लेकिन अभी हमें इससे मतलब नहीं है, इसको हम बाद में समझेंगे। और ये परपेंडिकुलर वाला शब्द, अभी आप इतना देखो, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, मतलब किसी मेटल सरफेस के यूनिट एरिया पे, एरिया के परपेंडिकुलर, ये वाले शब्द का मतलब, एरिया के परपेंडिकुलर एक सेकेंड में, यूनिट एरिया पे एक सेकेंड में कितनी एनर्जी गिर रही है। तो मैंने माना कि यूनिट एरिया, ए एरिया ले लिया मैंने, ए एरिया ले लिया मैंने, माना कि ए एरिया पे एक सेकेंड में एन फोटॉन्स गिर रहे, कितने? एन फोटॉन्स। तो फिर एनर्जी कितनी गिर रही? एन एच न्यू, कितने टाइम में? यूनिट टाइम में। मतलब कि देखो, मैंने बोला आई बराबर क्यू अपॉन ए डेल्टा टी, मैंने क्या बोला? डेल्टा टी टाइम में क्यू एनर्जी गिर रही है और ए एरिया पे। क्लियर? अब मैंने माना कि एन क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन ए एरिया पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम, मतलब डेल्टा टी को कर दो वन, डेल्टा टी क्या कर दो? वन कर दो, और क्यू, क्यू जो इंसिडेंट हो रही है उसमें कितने फोटॉन्स आ रहे हैं? एन फोटॉन्स, तो क्यू की वैल्यू हो गई एन एच न्यू, और अपॉन डेल्टा टी, टोटल टाइम डिवाइड करते मतलब एक सेकेंड हो गया, ये एनर्जी क्या हो गई? पर यूनिट टाइम की एनर्जी, और पर यूनिट टाइम में कितने फोटॉन्स गिर रहे थे? एन। समझ में आया? तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा एन इंटू एच न्यू। अरे देखो ना, क्यू अपॉन डेल्टा टी क्या है? क्यू अपॉन डेल्टा टी है क्यू माने टोटल एनर्जी, डेल्टा टी टाइम में जो गिर रहे हैं। अब डेल्टा टी को मैंने कर दिया वन सेकेंड, तो यहां पे कितने फोटोन गिर रहे? मुझे वन सेकेंड में ही एनर्जी चाहिए पर यूनिट टाइम, तो मैंने डेल्टा टी को किया वन सेकेंड, तो फिर यहां पे नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो जाएंगे? एन, क्योंकि मैंने माना है एन नंबर ऑफ फोटॉन्स यूनिट एरिया, ए एरिया पे गिर रहे हैं यूनिट टाइम में, तो डेल्टा टी को कर दो अगर वन, तो यहां पे एनर्जी हो जाएगी एन फोटॉन्स की, ये लिखा हुआ है। ठीक, तो यहां पे एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू, तो एन फोटॉन्स की एन एच न्यू, तो एन एच न्यू, ये इसकी वैल्यू एन एच न्यू हो गई, तो यहां रख दो, तो इंटेंसिटी बराबर हो गया एन एच न्यू अपॉन एरिया। क्लियर? ये इंटेंसिटी की एक्सप्लेनेशन हो गई। अब हम आगे और सीखेंगे।